दोस्तों बहुत से ब्लॉगर ब्लॉग तो बना लेते हैं लेकिन अपने बारे में जानकारी का एक अबाउट पेज नहीं बनाते हैं। दोस्तों इससे आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप अगर ब्लॉगर हैं तो आपको अपने ब्लॉग के अंदर अबाउट पेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे हम ब्लॉग के अंदर अबाउट पेज बनाते हैं, क्या क्या कंटेंट डालते हैं, कैसे कैनोनिकल बनाएं उसका। तो बहुत सी बातें हैं अबाउट पेज रिलेटेड, हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो हम आपको दोस्तों बताते हैं कैसे हम पहले अबाउट पेज बनाएं, उसके बाद कंटेंट बताएंगे कंटेंट आपको डालना क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है सिंपल सा ऑल पेज में। आपके जितने भी पेज बने होंगे यहाँ पर शो होंगे। आपको नया पेज बनाना है, सिंपल सा ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लिखना है सिंपल सा अबाउट। एंड यहां पर इसको पब्लिश कर देना है। एंड उससे पहले आपको इसको कॉपी करना है एंड फोकस कीवर्ड में इसको डाल देना है, ठीक है। एंड इसको पब्लिश करना है आपको। पब्लिश करने के बाद आपको चेक करना है आपका पेज आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पर पेज आ रहा है। अगर दोस्तों नहीं आए तो कोई इशू नहीं, आपको जानना क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेन्यू बार के अंदर तो आपको मेन्यू बार कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊं। अपेयरेंस में जाएंगे आपको यहाँ मिलेंगे मेन्यू बार, तो वहाँ से आपको इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया है, अगर नहीं हो तो मेन्यू बार में जाके आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हो। आप अबाउट पेज बनाएंगे तो आपको अबाउट पेज में डिस्क्रिप्शन भी डालना है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बात और, कैनोनिकल, यहाँ पर आपको सभी पेजेस बनाए कोई भी बनाए तो आपको कैनोनिकल टैग बनाने हैं। तो दोस्तों कैनोनिकल टैग बनाने के लिए आपको जाना है वेबसाइट के अंदर, अबाउट पेज पर क्लिक करना है। अबाउट पेज पर क्लिक करने के बाद इस लिंक को कॉपी करना है, पूरे यूआरएल को पेज के अंदर जाना है जहां अबाउट पेज है, नीचे आना है। अगर यूज्ड प्लगइन यूज करती हो तो आपको यहां मिल जाएगा, रैंक में तो यूज करती हो तो आप देख लेना कि कैनोनिकल का टैग कहां डल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं कैनोनिकल यूआरएल, तो हमारा ये हो जाएगा और यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। एंड हम आपको बताते हैं अब हम इसके अंदर कंटेंट क्या क्या लिख सकते हैं और हमें क्या क्या लिखना चाहिए जो सीओ फ्रेंडली अबाउट पेज बने। तो हम जाते हैं अपनी वेबसाइट ब्लॉग के अंदर, तो हमारा ब्लॉग के अंदर ये है, इसके अंदर अबाउट पेज, ऑल पेज में जाते हैं एंड अबाउट पेज के एडिट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आपको अबाउट पेज लिखना ही लिखना है। जब भी कोई नया विजिटर आता है तो आपके अबाउट पेज में जाकर चेक करता है ये ब्लॉग किसका है, किसने बनाया है, कब बनाया है, उसका नाम, ओनर का, बहुत सी डिटेल वो अबाउट पेज में जाकर ही चेक करता है। गूगल भी क्रॉलिंग में अबाउट पेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अबाउट पेज में लिखा है ब्लॉग क्या है, तो बेसिकली डोमेन नेम क्या है, बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर ब्लॉग क्या है उसके बारे में हमने लिखा है कि इसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, कौन कौन सी नीज पे काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं लोगों को, ठीक है। फिर ब्लॉग का फाउंडर, तो इसमें ब्लॉग का निर्माण किसने किया है, कौन है, कहां पर रहता है, तो ब्लॉग फाउंडर में आपको ये लिखना है, ठीक है। एंड यहां पर कोई डिग्री है, जो भी एक्स वाई जेड है उसके रिलेटेड उसने कुछ पढ़ाई की है, जैसे कि उसने कंप्यूटर डिग्री ली है तो उसके बारे में उसके कॉलेज की लिंक बना दे। जैसे कि मैंने यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी से यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया था, डिप्लोमा लिया था। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो माखनलाल पे पहुँच जाएगा। दोस्तों क्या होता है, लिंक से ये गूगल को ये इंडिकेट जाता है कि एक जेन्युइन पर्सन है और माखनलाल यूनिवर्सिटी है कोई, ठीक है। देखिए मैंने जीवाज यूनिवर्सिटी का भी डाला, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है, जो ग्वालियर में, देखिए ये लिंक खुलेगा तो ये क्रॉल होगा लिंक, तो इंडिकेट जाता है गूगल को एक जेन्युइन वेबसाइट है, ये भी जीवाजी यूनिवर्सिटी ये जेन्युइन वेबसाइट है, और जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये भोपाल में, ये ग्वालियर में, तो ये भोपाल और ग्वालियर की लोकेशन पर भी है। तो मैंने सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही सही बताई हैं, तो गूगल मुझे यहाँ पर ग्रेड देगा कि जो भी आपकी जानकारी है एक्स वाई जेड ठीक है, ठीक है। तो ये फेक जानकारी नहीं लगेगी, मैं सिंपल से आपको ये बता दूँ। चलिए एंड नीचे चलते हैं यहाँ पर, और मैंने अपने बारे में लिखा है, मैं अभी जॉब जो भी रिलेटेड है जॉब, अपने बारे में जो भी एक्स वाई जेड आपको एक्सप्लेन करना है,
एंड यहाँ पर मैंने सोशल प्रोफाइल लिंक डाले हैं, कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है तो डायरेक्टली कर सकता है। तो मैंने फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर यहाँ पर कोरा डाल दिया है, ठीक है, कोरा पे मैं एक्टिव रहता हूँ। बेसिक कंप्यूटर हिंदी ब्लॉग कब बना, तो दोस्तों आपको ब्लॉग कब बना, क्या, क्या किस प्रकार बना, आपने क्या सोच के ये ब्लॉग बनाया, तो आपको यह मेंशन करना है। अगर डोमेन नेम चेंज किया है आपने तो वो भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि पुराने विजिटर अगर आपके ब्लॉग को पढ़ चुके हैं और आपके ब्लॉग को दोबारा सर्च कर रहे हैं तो उनको यकीन हो जाएगा कि पहले वाला ब्लॉग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ दो तीन बार अपने डोमेन नेम चेंज किए तो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, फिर है बेसिक कंप्यूटर हिंदी ब्लॉग बनाने का उद्देश्य। तो आपको अपने उद्देश्य के बारे में बताना है कि आपने आखिर ब्लॉग क्यों बनाया ये, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इस तरह का अबाउट पेज लिखना है, एंड यहाँ पर फाउंडर लिख देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर यूट्यूब चैनल है तो वो लिंक डाल देना, ईमेल भी डाल देना, तो ये अबाउट पेज तैयार हो जाए। एंड यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो अबाउट पेज से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका अबाउट पेज इस तरह का तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको टैब बनाना बता दिया अबाउट पेज का, ठीक है। कैनोनिकल मैंने यहाँ पर बता दिया, कैनोनिकल कैसे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप इस प्रकार डाल सकते हैं, ठीक है। तो अबाउट पेज दोस्तों यहाँ इस अबाउट पेज जो भी एक्स वाई जेड आप करते हैं वो डालिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फोकस कीवर्ड मैंने आपको बता दिया एंड पब्लिश कर देना, तो आपका ये अबाउट पेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कंटेंट लिख सकते हो, और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है इसमें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।